नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आई हूँ मेला घूमने के लिए, जो कि रोहतक का बाबा मस्तनाथ जी का मेला है। 3 दिन का लगता है, तो चलिए चल के घूमा जाए, एंजॉय किया जाए। तो ही ली थी तो मैंने कहा चलो जो टॉय वगैरह मिल रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए, वीडियो छोटा सा बना ले। ये देखिए दूर से मुझे ये वाला झूले दिख रहे हैं। इस झूले को क्या कहते हैं, मेरे तो दिमाग में एक ही जाते जायंट व्हील, इतना लंबा झूला। तो खाने पीने की चीज़ें ना देखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने खाया तो नहीं, लेकिन झटपट रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल के अंदर कि अभी देखते कैसे गर्म गर्म समोसे जलेबी अच्छा नहीं है। और उसके अपोजिट साइड में बच्चों के लिए टॉय मिलने, मतलब बच्चों के लिए पर स्वर्ग है। आइसक्रीम खाए, टॉय खाए, ये छोले भटूरे समोसे कचौड़ी पकौड़ी नमक पारे सारी चीज़ें मिल रही, लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं ना मैंने कुछ खरीदा। हाँ, बच्चों के लिए थोड़े बहुत टॉय लिए। तो अभी तो हमारी स्टार्टिंग ही है, अब धीरे धीरे घूमा जाए और एंजॉय किया जाए। ये देखिए लगे पड़े हैं, अब धीरे धीरे रश यहाँ बढ़ता ही जाना है। और मैं ऑफ नहीं करूँगी, साथ ही मेरी वॉइस रिकॉर्ड भी रहेगी। ये देखिए ये सीन आपको देखिए क्या याद आ रहा है, मुझे तो शोले मूवी का वो गाना आ गया, होली में रंग जब मिल जाते वाला सॉन्ग नहीं होता है, वो मुझे मिला आ रहा था शोले मूवी का। तो सेम वैसे ही डिटो लग रहा है, मैंने वैसे थोड़ा बहुत एडिटिंग भी कर दी है। तो देखिए और शोर को एंजॉय करिए। ये देखिए ये वाला बड़ा वाला झूला, और ये जो ये लेफ्ट राइट कर रहा है पेंडुलम की तरह, सच में मेरे तो देख के पसीने ही आ गए, लेकिन मैंने इसमें से कोई नहीं झूला है। और ये देखिए मेरे मेरा बेटा बैठा है और मेरी लैंडलॉर्ड की नातिन बैठी है, ये दोनों मेरे गब्बर और सॉरी गब्बर करीब बीरू और बसंती चले गए अपना मस्ती करने के लिए। और मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर लूँ। और ये बहुत महंगे भी नहीं थे, ये केवल 30 रुपीज़ पर चाइल्ड था, तो 30 रुपये मेरे बेटे के पड़े, 30 रुपये परी के पड़े, तो 60 रुपये में आराम से अच्छे से दोनों ने झूले झूले। लेकिन कुछ भी महंगे भी थे, जैसे ऊपर वाले वो वाले हैं बड़े वाले, तो वो केवल 50 रुपये के थे, बहुत महंगे नहीं थे, मतलब मैक्सिमम 50 रुपये ही था। 3 साल के बच्चों को कोई किराया नहीं था, एक दो झूले पे 3 साल छोटे बच्चों किराया था, छोटे बच्चों का था उसमें टिकट था, लेकिन 30 रुपये था। इसको देख के बचपन याद आया, मेरा बचपन याद आ गया, और मैंने अपने बेटे और बेटी दोनों को बचपन याद दिला, उनके बचपन के भी मस्ती करवा दिया 30 रुपये में 6। ये देख रहे हैं आप ये वाला झूला कितने डेंजरस लग रहे हैं दोनों, ये वाले झूले भी नेक्स्ट अभी आपके आगे और दिखेगा ये वाले। इन दोनों को देखकर तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी, वो हो सकता है कि काफ़ी लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि हाँ मैं तो झूल लेता हूँ झूल लेती, पर मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, मैंने केवल आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग कर दी इसकी। और मैक्सिमम 50 रुपीज़ की राइड होती थी, और चार ये जो सामने दिख रहा है ये 4 मिनट तक आपको झूलाता है पूरा, लेकिन स्पीड गजब की रहती है। ग्रेट, मैंने बड़े वाले पे झुलाया नहीं था इसलिए मेरा बेटा नाराज़ हो गया था, तो इस पर मैंने अपने बेटे को झुला दी साथ में। और ये तो अभी देखिए स्लो चल रहा है, लेकिन जब आगे ये टर्न लेके आता है तो इतना स्पीड पे आता है कि मेरी बेटी डर गई थी और रोना स्टार्ट कर दी थी, मैंने उसको लिया हुआ था गोदी में, लेकिन अभी देखिए कितने स्पीड से नीचे गिरेगा ये। और इसी टाइम मेरी बेटी डर जा रही थी, रोई तो नहीं लेकिन पूरा रोने वाला मुँह बना ली थी, ये देखिए कितनी स्पीड से गिरा। बस मेरा बेटा खुश हो गया क्योंकि नाराज़ हो गया तो उसको बड़े झूले पर मैंने झुलाया नहीं। ये देखिए छोटे बच्चों के लिए, इसमें छोटे बच्चों किराया लग रहा था, इसमें छोटे बच्चे, देखिए मेरी बेटी रो रही थी, उसको यहाँ पे चीयर कर रही हूँ कि बेटा थोड़ा स्माइल कर दो, और कार में उसको अच्छा लगता दौड़ना। लेकिन ये भी जब ज़्यादा तेज तेज़ राउंड राउंड घुमाने लगे भैया, तो मेरी बेटी का यहाँ भी मुँह बन गया था, तो 4-5 राउंड लेके फिर मैंने उसको गोदी में ले लिया। और ये मेरे ये आप देख रहे हैं आइसक्रीम, मेरे बचपन की याद ताज़ा हो गई, तो मैंने कहा मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि बचपन में मैं अपने गांव जाती थी बहुत खाती थी। और ये सामने देखिएगा अभी ये मौत का कुआं, मैं वहाँ गई तो नहीं लेकिन मैंने दूसरे रिकॉर्ड कर लिया, केवल टीवी में देखा था, मैंने फर्स्ट टाइम रियल में देखा ये मौत का कुआं, बहुत भीड़ लगी हुई थी देखने वालों की, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लूँ। अब झूला हो गया और गन्ने का जूस भी पी लिया और बच्चे भी आइसक्रीम भी खा लिए, तो चलो मैंने कहा चलो टॉय शॉपिंग कर लें बच्चे, अब बच्चे आते उसी चीज़ के लिए, तो मैंने कहा चलो टॉय करते हैं। टॉय हार्डली 20-30-40 एक मिनट बेटा ऐसी रेट के थे, और अभी आप भी बोलना बिल्कुल अभी बोलना, तो ये सब हार्डली 20-30-40-50 मैक्सिमम 100 तक के सारे टॉय थे। तो मेरी बेटी ने एक मोबाइल लिया टॉय, और मेरे बेटे ने गन ली है, और परी ने डॉल ली है। ये देखिए यहाँ ऑफर चल रहा है 100 में 3 खिलौने, 100 रुपये में 3 खिलौने, अगर आप यही लेते तो 40 का मिलता है, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, मतलब ठीक है हार्डली 15-20 रुपये के होंगे, तो 100 रुपये 3 मिले तो काफ़ी लोग ले रहे थे। और बगल में थोड़े वो भी रखे थे सॉफ्ट टॉयज भी रखे थे, तो जो ये 100 के 150 के आई थिंक 2 दे रही थी आंटी, ये देखिए सॉफ्ट टॉयज तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत हैं, तो मैंने कहा मुझे लेना। और ये बगल में मिठाई उठाई मिल रही बढ़िया, जिसको पीले लड्डू ये मोटी जो पसंद हो वो आके खा सकता है।
पूरे मेले में सबसे क्यूट चीज़ मुझे यही दिखी है, भगवान जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ, लाफिंग बुद्धा, और ये अगर जो टमाटर देख रहे हो बगल में रेड रोज राइट साइड में, ये सब 100 के 4 थे, सब 100-100 रुपये में 4 थे। और आगे की तरफ ये नहीं, राइट साइड में जो रखे हुए हैं जितने, वो सब 150, वो देखिए आगे की तरफ वो 100 के 1 और 150 के 2 कुछ इस टाइप के थे, लेकिन सब बहुत ही क्यूट क्यूट से थे, अलग अलग कलर के, कुछ पर्पल ग्रीन ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन, देखिए आगे की तरफ कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही क्यूट थे। आंटी का लेने का मन था लेकिन कुछ नेगोशिएशन में प्रॉब्लम हो गई तो उनका मूड ऑफ हो गया तो नहीं लिया, लेकिन उनकी नाती ने ये रेड वाला ले लिया एक, तो 30 रुपीज़ का दिया। मेरा भी लेने कोई खास मूड नहीं था क्योंकि रेंट के घर में मैं ज़्यादा सामान रखना नहीं चाहती, इसलिए मैंने लिया नहीं, और लेकिन मुझे बड़े क्यूट लगे, मैंने कहा इसको रिकॉर्ड कर लूँ, जितनी भी लेडी उनको बहुत ही पसंद आएगा, होपफुली वो नेक्स्ट टाइम ले लें आके यहाँ पर।